जो कानूनी कार्रवाई है। पुलिस का काम लाश को ले जाके पीएम करा करके आपको सपोर्ट कर देना वो भी हो गया है, आप लोग अंत्येष्टि भी कर चुके हैं भागलपुर ले जाके, और जैसा जो मुझे जानकारी मिली कि सुनीता जी नेता हैं हम लोगों की प्रदेश की, तो इन्होंने अपना नहीं इनकी बात माने। देखो इसी वजह से हम लोग जगह जगह नेटवर्किंग बैठा के रखते हैं कि भाई कोई घटना हो तो हमारा नेता जाए और लोगों को न्याय मिले, मकसद यही है। और पुलिस का काम फांसी देना नहीं है, अब ये मामला जाता है अदालत में, अदालत में अब पैरवी होगी, वहाँ वकील होगा, वो बहस करेगी, वहाँ का काम वहाँ है। फिलहाल यहाँ के काम में जिस तरह का सहयोग पुलिस मांगे, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत हो तो आप चले जाना इनके यहाँ, ठीक है ना, अगर कोई दिक्कत हो तो हम लोगों को फोन करना, ठीक है। ये माननीय विधायक बेदी राम जी हैं हमारे यहाँ गाजियापुर से जीते हैं, इनको फोन कर लेना, बहुत तगड़ा बतियाते हैं, थोड़ा टाइट बतियाते हैं। सर आप आज मटिया गांव में आए हैं और मृतक के परिवार से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया आपने और मृतक के परिवार को क्या सहयोग होगा? देखिए घटना की जानकारी तुरंत हम लोगों को हुई, उस संबंध में हम लोगों की पार्टी के नेता सुनीता राजभर हों चाहे जिला अध्यक्ष हों और हमारे नेता लग करके पहले तो घटना के बाद एफआईआर के बाद गिरफ्तारी, तो पुलिस ने गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजने की तैयारी में लगी है। परिवार को एसडीएम से डीएम से हम लोगों की बात भी, हमारी खुद बात हुई है, इनके आर्थिक सहयोग के संबंध में जो सहायता सरकार से मिल सकती है उसको दिलाने का काम हम लोग करेंगे। ऐसे अपराधियों पे क्या सरकार का बुलडोजर चलेगा? अब गिरफ्तार नहीं होते तो बुलडोजर तो चलवे करता, तो ये सवाल तो मैं आपसे कहा सोचा था कि करूँगा, अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो आपके सवाल का उत्तर हम दे ही देते। मंत्री जी जैसे काफ़ी संगठन अपने कार्यकर्ताओं को या जैसे कि अपने जात बिरादरी के जो संगठन हैं उसमें तत्काल सहायता कुछ उपलब्ध कराते हैं, तो क्या आपके संगठन की तरफ से भी कोई सहायता उपलब्ध होगी क्या परिवार? बिल्कुल कराएंगे। सर एक आपने एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे एक सवाल रखा है कि प्रदेश में हमसे बड़ा गुंडा कौन है, इस पर क्या कहना, क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने समाज को? कल तक जो गुंडाई करने वाले लोग थे वो ओम प्रकाश राजभर को सलूट मारते हैं,